तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, एवरीवन नोज नीतीश कुमार की रामायणा जो बिग बजट मूवी होने वाली है वो फाड़ के कमाई करके जाएगी, और करके भी क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि पब्लिक डिमांड पर इनकी कास्ट को तय करा गया है। जो मेन लीड तीन कास्ट है, साई पल्लवी अजमा सीता, रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, एंड लुकिंग वेरी वेरी फाइन। भाई फोटोग्राफ्स लीक हुए हैं कि लीक कराए गए हैं, प्लानिंग है क्या है भाई समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल एक बार के लिए लग भी रहा है कि एक बार के लिए प्लानिंग हो, लेकिन लीक्स जिस हिसाब से हुए हैं भाई, दिल को ना ठंडक महसूस हो चुकी है अब, क्योंकि अभी तक ट्रस्ट था, अच्छा खासा ट्रस्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो नाइटमेयर अभी करके हुआ था, एक अभी पिछले साल हम एक इस घटिया रामायण देख कर आए थे जो बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया गया था हमारे इस प्योर रामायण का वहां पर। तो भाई कहीं ना कहीं दिमाग जो है खेल दे रहा था कि भाई तुमने उस समय भी तो यही एक्सपेक्टेशन रही थी, यही होप रखी थी, वहां तो नाम प्रभास जुड़ा था, कृति सनन जुड़ी थी, फिर भी बावजूद इसके तुम्हें क्या ही मिला वहां पर। तो भाई फोटो लीक्स हुए हैं और दिल को सुकून देके जा रहे हैं, क्योंकि एज लॉर्ड राम, भगवान श्री राम के रूप में रणबीर कपूर लुकिंग वेरी वेरी फाइन। मतलब भगवान श्री राम का नाम आते ही क्या होता है भाई, चेहरे पे मुस्कान आती है, शरीर पर एक ठहराव आता है, मन में एक ठहराव आता है, और दिल को सुकून मिलता है, सारी चीजें क्लियर होने लग जाती हैं। ये है भगवान श्री राम का, सिर्फ नाम सुनते ही हमारे अंदर ये सारी हलचलें हो जाती है। और जब वो प्यारी सी मुस्कान हम देख लेते हैं, क्योंकि अरुण गोविल जिन्होंने ये रामायण से स्टार्ट किया था, भाई रामायण में राम का अगर नाम आए तो अरुण गोविल सर का अपने आप चेहरा सामने आ जाता था, क्योंकि वो छब, वो इमेज उन्होंने छोड़ी थी वहाँ पर, और वो इमेज, वो छब यहाँ पर रणबीर कपूर छोड़ने वाले हैं दमदार। वो ठहराव, वो सुंदरता, वो बॉडी लैंग्वेज से ही अपने विचारों को दर्शा देना और उनके अंदर भीतर क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें देख कर ही समझ जाना, भाई ये सारी छवि एक बार के लिए रणबीर कपूर में देखने को मिल रही है एज लॉर्ड राम। साई पल्लवी एज माँ सीता लुकिंग वेरी फाइन, एंड जिस हिसाब से लीक करे गए हैं लग नहीं रहा है कि वो लीक हुए हैं, लग रहा है कि प्लानिंग है कि भाई ऐसे करके दिखाया जाए, क्योंकि मेकर्स के दिमाग में शायद खुरापात चल रही हो कि भाई अभी करके एक मूवी आई थी, शायद उस वजह से कुछ हेट्स लोगों के मन में आए तो नहीं, और चेक करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से, चेक करते हैं कि इस मूवी के लिए वाकई में लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं है। तो भाई लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और जिस हिसाब से फोटोग्राफ्स लीक्स हुए हैं, लोगों ने ना भड़ भर के ट्वीट्स किया है और लोगों ने अप्रिसिएट किया है, और लोग अब वेट कर रहे हैं, लिटरली वेट कर रहे हैं कि ये मूवी आए और हम देखें। वो लुक्स एंड वो जो सराउंडिंग जो इस्तेमाल कर रखा है, आई थिंक तालाब के आसपास का सीन है, और ये सीन वहाँ का हो सकता है जब स्वयंवर के बाद राम सीता को लेकर आते हैं यहाँ पर, और तैयारी चल रही है भगवान श्री राम को राजपाट देने के लिए, और ये उससे एक आध दिन पहले का ये सीन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर दोनों कपल मतलब माँ सीता और भगवान राम अपने आप में व्यस्त हैं और वो मुआयना कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट कल को होने वाला है। इन माय प्रिडिक्शन, इन माय इमेजिनेशन की शायद ये हो सकता है उस हिसाब की फोटोग्राफ। और भाई जब ये सारी चीज़ें फाइन तरीके से वीएफएक्स का सही इस्तेमाल करके, सब कुछ कलर ग्रेडिंग, सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग सब कुछ अच्छे से इस्तेमाल करके जब ये बड़े स्क्रीन पर हमें देखने को मिलेगी, तो भाई दिल में ना अभी से टीज हो रही है कि यार जल्दी से जल्दी ये मूवी आए और देखने को मिल जाए। तो अभी अब तक आपने भी ये फोटोग्राफ देख ली हैं, तो आपको ये कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो इस मूवी का बजट, मूवी आने वाली है तीन पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट के लिए बजट बताया जा रहा है अराउंड 400 से 500 करोड़ के आसपास, जिसमें से रणबीर कपूर 75 से 80 करोड़ चार्ज करने वाले हैं, एंड साई पल्लवी 6 से 8 करोड़, एंड सबसे बड़ी भारी भरकम रकम जो चार्ज करेंगे रॉकिंग स्टार यस मतलब लंकापति रावण, जो 150 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो बाकी जो वीएफएक्स यहां पर डिजाइन कर रही है वो DNEG कंपनी डिजाइन कर रही है, कौन सी, वही ऑस्कर विनिंग कंपनी जो अभी कल की 2898 में वीएफएक्स डिजाइन कर रही है, और ड्यून हॉलीवुड की जो मूवी है उसमें डिजाइन करे थे। तो सारा कुछ फेवर में ही है और बस एक्साइटमेंट है, और ये मूवी जब जल्दी आए, और ये मूवी कब 1000 करोड़ जाएगी ठोक के, 1500 करोड़, 2000 करोड़, क्या लगता है आपको कितना जा सकता है नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।